नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। क्या किसी बोतल को एक जगह से दूसरी जगह रखने पर किसी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है? आप कहेंगे ये कैसी बात, लेकिन ऐसा हुआ है, और वो हुआ है जिसके चलते एक कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार फुटबॉलर और पुर्तगाल टीम के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। जी हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिन्होंने कोका कोला कंपनी के एक सॉफ्ट ड्रिंक को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा और लोगों से पानी पीने की अपील की। बस फिर क्या था, इस अपील के बाद जो हुआ वो कोका कोला कंपनी अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि कोका कोला कंपनी के शेयरों में गिरावट आई और कोका कोला कंपनी को हो गया करोड़ों का नुकसान। देखिए खास रिपोर्ट। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। दुनिया का सबसे फुर्तीला फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतलों को हटाए जाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कोका कोला कंपनी को तगड़ा नुकसान भी हो रहा है। हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल और हंगरी के खिलाफ होने वाले मैच की, और मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जहां पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहुंचे, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी बस वो कोका कोला की बोतलें देखकर भड़क गए। रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही कोका कोला की बोतलों को हटाकर दूसरी तरफ रखा और सभी से पानी पीने की अपील की। जी हाँ, और इसी अपील की वजह से कोका कोला बनाने वाली कंपनी को एक ही दिन में कई करोड़ों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि सोमवार को जब यूरोप में स्टॉक मार्केट खुला तो उस वक्त कोका कोले के एक शेयर की कीमत 56.10 अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन कुछ ही देर में कोका कोला का शेयर लुढ़ककर 55.22 डॉलर तक आ गया, और इससे कोका कोला की कीमत में करीब $4 बिलियन यानी कि कंपनी के एक दिन में $4 अरब यानी कि भारतीय मुद्रा में 29,300 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। आपको ये भी बता दें कि इस टूर्नामेंट के आयोजक कोका कोला ही है, उसके बावजूद रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये किया है। यही नहीं, रोनाल्डो पहले ही जंक फूड के प्रति अपनी नापसंदगी के बारे में खुलासा भी कर चुके हैं। यही नहीं, उनके घर में भी बताया जाता है कि वो कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीने के लिए किसी को भी प्रोत्साहित नहीं करते। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो जहां अपने खेल के लिए तो मशहूर हैं ही, और अब उनकी सॉफ्ट ड्रिंक के प्रति नापसंदगी भी दुनिया के सामने जग जाहिर हो गई है, जिससे कोका कोला बनाने वाली कंपनी को एक ही दिन में करोड़ों का नुकसान हुआ है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस अपील से कोका कोला कंपनी को कितना नुकसान होने की बात कही जा रही है। खेल जगत ही नहीं, इस तरह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिन्हें जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और खबरों को अगर पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए वहां देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और कोरोना काल है तो कोरोना काल में अपना विशेष ध्यान रखें और कोरोना गाइडलाइंस का जरूर पालन करें। तो इस खबर के साथ अभी के लिए बस इतना ही, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।